और यहाँ पर शाही स्नान को देखने के लिए लोग इतना उत्साहित हैं कि पुलिस के बोट के ऊपर ही चढ़कर देखने लगे शाही स्नान को। तो पूरा वीडियो देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत वीडियो होने वाला है। आज हम लाइव वीडियो दिखाने वाले हैं आपको हल्की पौड़ी से। देखिए पूरा साफ सुथरा आज हल्की पौड़ी लग रहा है यहाँ पर, और कोई भी बाहरी आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बस साधु संतों का। जब तक स्नान चलेगा तब तक अंदर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। परम कुंड में स्नान करने वाले हैं सारे साधु संत, और यहाँ को पर बिल्कुल खाली कर दिया गया है, पूरी फोर्स तैनात है यहाँ पर। और इस तरफ लोग दूर दूर से देख रहे हैं झांक झांक के, जहाँ पर पुलिस प्रशासन उन्हें हर जगह से भगा दे रही है, क्योंकि उनका स्नान जो है इनके बाद होने वाला है। तो लोग दूर दूर से काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और सभी लोग अखाड़े के लोगों को देखना चाहते हैं, इन बाबाओं को देखना चाहते हैं, इन बाबाओं के दर्शन करना चाहते हैं साधु संतों के। इसलिए भीड़ यहाँ वहाँ से देखने की कोशिश कर रही है इन साधु संतों को। तो देखिए किस तरीके से ये आ चुके हैं स्नान करने के लिए, और स्नान करके यहाँ से फिर इनकी जो है हरिद्वार में रैली निकाली जाएगी, और अखाड़े के लोग अपने अपनी जगहों को चले जाएंगे। तो दिखाएंगे हम पूरा रैली तक का ये वीडियो, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए स्नान कर चुके हैं, अब चलते हैं हम पार्किंग वाले एरिया में, जहां पर खड़े हैं इनके वाहन। तो आ चुके हैं हम पार्किंग वाले एरिया में, ये है बाहरी एरिया जहाँ पर सभी अखाड़े के लोग स्नान करके वापस आएंगे, और एक एक करके अपने अपने वाहनों से वापस जाएंगे, और इसके बाद हरिद्वार के रास्ते घूमते हुए ये अपने अपनी जगहों के जाने लग जाएंगे। तो देखिए इस भीड़ के आगे इनके सारे वाहन खड़े हैं, तो अभी एक एक करके दिखाएंगे आपको सारा कुछ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए कितनी भीड़ उमड़ चुकी है यहाँ पर देखने वालों की और स्नान करने वालों की। तो काफ़ी लोग हैं जो स्नान करने आए हुए हैं शाही स्नान में, और अखाड़े के लोग, तो ये आखिरी अखाड़ा है जो स्नान करके जाएगा, और उसके बाद आम लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा स्नान करने का। तो देखिए कितनी भीड़ है, और फोर्स भी काफ़ी है यहाँ पर तैनात, जिसके वजह से इनको कंट्रोल किया गया है, नहीं तो आम लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कितना खूबसूरत नज़ारा है हल्की पौड़ी का, तो आपको दिखाते हैं हम बाहर कैसा नज़ारा है। तो अगर आप इन लोगों को देखें, ये रोडों में बैठे हुए लोग दूर दूर से आए हुए हैं स्नान करने के लिए, और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब अखाड़े के लोगों का स्नान होगा, और कब ये लोग स्नान करके अपने अपने घरों को लौटेंगे। तो यहाँ पर बाबा लोग स्नान करके आ चुके हैं, और इनके वापस जाने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है इन सन्यासियों को देखने के लिए, इतने बाबाओं को देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पर सभी बाबा नहाकर आ चुके हैं और अपने अपने वाहनों से वापस जा रहे हैं, और यहीं से मुड़कर ये अपनी सवारी को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए लोगों की कितनी भीड़ उमड़ चुकी है एक दर्शन करने के लिए। तो आपको सभी बाबाओं के दर्शन कराएँगे हम, बने रहिए आप हमारे साथ। तो जल्दी जल्दी करवाते हैं सभी के दर्शन। तो ये देखिए किक कर कर यहाँ पर सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और आशीर्वाद ले रहे हैं सन्यासियों का, बाबाओं का, जो तो जाने माने बाबा हैं सारे। देखिए कितनी भीड़ है, तो श्रद्धालु यहाँ पर बहुत आए हुए हैं दूर दूर से, इस पल का इंतजार सबको रहता है, और सबको आशीर्वाद लेना होता है इन
महान गुरुओं का, महान बाबाओं का, कि एक झलक पाने के लिए लोग इतनी दूर से आते हैं और जल लेके जाते हैं यहाँ से इनके स्नान के बाद और खुद स्नान करते हैं। ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं। इसके बाद ये सभी लोग हरिद्वारों के रोड में दिखाई देंगे आपको। ये देखिए नहीं बेटा, कैसे गाड़ी।